खबर इस साल के आखिर में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव है। इन राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल इस दिसंबर और अगले साल जनवरी में खत्म हो जाएगा, तो वहीं अगले साल देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को देखते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने पार्टी महासचिवों के साथ एक बैठक बुलाई। ये बैठक दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में रखी गई है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई है। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया की 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली तीसरी बैठक के लिहाज से बीजेपी की इस बैठक को अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले जेपी नड्डा ने 1 जुलाई को राष्ट्रीय महासचिवों और सभी मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक की थी और अब एक और बैठक। इस बैठक में कई सकारात्मक फैसलों पर चर्चा हुई और पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी के नेताओं को किस तरीके से इस चुनाव में जिम्मेदारी दी जाए, किन किन मुद्दों को बेहतर तरीके से जनता के बीच जाकर उठाया जाए, उस पर चर्चा हुई।